फेस्टिवल्स आर ओवर एंड आई होप आपने इन त्योहारों को खूब इंजॉय किया होगा। अब सर्दियों ने भी दस्तक दे दी है, दोपहर की धूप भी अच्छी लगती है और शाम को ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी है। लेकिन सर्दियों का मौसम अपने साथ साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आता है, जिनमें से एक बड़ी समस्या है जोड़ों के दर्द का बढ़ जाना। चाहे किसी को आर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, या फिर गाउट हो, हर कोई जोड़ों के दर्द की समस्या से सफ़र करता है और सर्दियों में ये कई गुना बढ़ जाता है। और तो और सर्दियों में जोड़ों में अकड़न, सूजन, दर्द और भी कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे आज कि क्यों ऐसा होता है, क्यों सर्दियों में हमारे जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं और कुछ उपाय जिससे कि आप इन सब से बच सकते हैं। वेलकम टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो है कि ठंड के मौसम में हमारे जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। जो सबसे पहला कॉज है वो ये है कि विंटर्स में हमारी नर्व्स कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाती है। आपने भी नोट किया होगा कि जब सर्दी में कोई चोट लगती है तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है एज़ कम्पेयर टू गर्मी में जब चोट लगती है। तो नर्व्स क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है तो थोड़ा बहुत भी अगर आपके जॉइंट्स में पेन होता है तो वो भी आपको महसूस होने लगता है। जो दूसरा कारण है वो ये है कि सर्दियों में आपकी जो मसल्स है उनमें भी स्टिफनेस आ जाती है, मतलब मसल भी अकड़ने लगती है, आपकी मांसपेशियां अकड़ जाती है, उनमें जकड़न हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, जिससे कि मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और आपके जॉइंट्स में पेन बढ़ जाता है। हमारी ब्लड वेसल्स है वो भी सिकुड़ जाती है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से बाहर टेम्परेचर कम होता है तो उसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ जाती है। तो आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है जैसे आपके पैर के एंड हो गए, हाथों के एंड हो गए, उसमें भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका दर्द, स्टिफनेस ये बढ़ जाता है। देखते हैं कि कैसे आप सर्दी के मौसम में अपने जोड़ों का ध्यान रख सकते हैं जिससे कि आपको दर्द ना हो। सबसे पहले बात आती है कि आप अपने को कवर अप रखिए, ठंड ना लगने दें, लेयर्स में कपड़े पहनिए, अपने जोड़ों को, जॉइंट्स को अच्छे से कवर करके रखें। आपके जॉइंट्स जितने गर्म रहेंगे, जितने ठंड से कम एक्सपोज होंगे, उतने ही ज़्यादा आपको पेन कम होगा। दूसरा पॉइंट आता है डिहाइड्रेशन का। सर्दियों में वैसे ही हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है जिसकी वजह से हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, हमें प्यास नहीं लगती है ठंड की वजह से, लेकिन हमारी बॉडी में पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से जॉइंट्स में, मसल में पेन होने लगता है और जिनको आर्थराइटिस की समस्या है उनका पेन और भी बढ़ जाता है। तो सर्दियों में अपने पानी की क्वांटिटी को सही रखिए, ल्यूक वार्म हल्का गुनगुना पानी पीजिए, उसके साथ आप चाय ले सकते हैं जैसे कि ग्रीन टी ले सकते हैं और भी डिफरेंट फ्लूइड्स, गर्म फ्लूइड्स, सूप्स, ये सब भी ले सकते हैं। विटामिन डी की कमी, विटामिन डी हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन हो जाता है। विटामिन डी सनरेज से नॉर्मली हमारी स्किन बनाती है, लेकिन क्योंकि सर्दियों में हम धूप ही कम निकलती है और ऊपर से हमारा एक्सपोजर भी कम होता है, हम हमेशा कवर अप रहते हैं, धूप में बाहर कम निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी की वजह से भी आर्थराइटिस का पेन बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि सर्दियों में जब भी धूप निकले आप धूप में बैठें, अपने जॉइंट्स को एक्सपोज करें, घुटनों को, एल्बो को, हाथों के जॉइंट्स को एक्सपोज करें, अच्छे से धूप सेकें और अगर फिर भी दर्द परसिस्ट कर रहा है तो विटामिन डी का टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद ही अगर लेवल्स कम आ रहे हो तो ऊपर से सप्लीमेंट विटामिन डी भी आप ले सकते हैं। के मौसम में हमारी मोबिलिटी, हमारी मूवमेंट कम हो ही जाती है, हम सब रजाई में रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। अगर आपको जॉइंट पेन है फिर भी थोड़ा बहुत मूवमेंट आप ज़रूर करें, जितनी ज़्यादा आपकी मोबिलिटी होगी उतना ही जॉइंट में स्टिफनेस कम होगा, उतना ही जॉइंट में जकड़न कम होगा और आपको आगे जाके दर्द भी कम महसूस होगा। इसलिए एक जगह बैठे ना रहे, थोड़ा बहुत हल्की धूप में सैर करें जिससे कि आपको विटामिन डी भी मिलता रहे और साथ में आपकी मोबिलिटी भी बनी। डाइट की, हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा में डाइट की बात के बिना तो कोई सेशन एंड हो ही नहीं सकता। तो सर्दी आते ही हम क्या करते हैं, अपने डाइट में घी, मक्खन और ये पराठे, इन सब का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। घी मक्खन में क्या होता है, आपका सैचुरेटेड फैट होता है और स्टडीज़ बताती है कि जितना आप ज़्यादा सैचुरेटेड फैट लेते हैं उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो ये आपके जितने भी आइटिस वाले सारे डिजीजेस है जैसे कि गैस्ट्राइटिस, आर्थराइटिस, ये सब बढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए ये बहुत ही कम से कम मात्रा में ले, आप अवॉइड करेंगे तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन कभी कभी ओकेशनली ले सकते हैं, लेकिन जितना कम लेंगे उतना अच्छा है। इसकी जगह क्या लें, इसकी जगह आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लें।
ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से अर्थराइटिस में पेशेंट्स को बहुत आराम मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के अगर सोर्सेज की बात करूँ तो वेजिटेरियन अगर आप हैं तो इसमें शिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, ड्राई फ्रूट्स, सोयाबीन जितने भी सारे हैं ये सब बहुत अच्छे सोर्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए फ़िश एंड फिश ऑयल आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो ये आप ले सकते हैं। इसके कैप्सूल्स भी आते हैं पर जितना डाइट से हो सके उतना ही अच्छा है। और एंड में बात करते हैं मेडिसिन की, अगर ये सारे उपाय करने के बाद भी आपका जॉइंट दर्द, जॉइंट का पेन बढ़ गया है या परसिस्ट कर रहा है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन। जैसे हमारे होम्योपैथी में भी अर्थराइटिस के बहुत ही सारी अच्छी मेडिसिन है और बहुत ही एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स भी है, लेकिन वही बात है कि आप किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना मेडिसिन ओवर द काउंटर जाके मत लीजिए। डॉक्टर को दिखाइए, आपका पूरा अच्छे से केस चेकिंग लेके वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी आपके फैमिली और फ्रेंड्स में अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये छोटे मोटे चेंजेस करके भी आप अपने अर्थराइटिस के पेन में एक सिग्निफिकेंट रिलीफ ला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।